नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज के टॉप बिजनेस उसके बारे में। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप जरूर पक्का चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। का फर्स्ट अपडेट है कि COVID-19 वायरस की वजह से देश में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके चलते अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने GST के सबमिशन की डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया है, जिससे फॉर्म्स को GST रिटर्न फाइलिंग करने में आसानी हो और इसकी लास्ट डेट 30 जून तक तय की गई है। इतना ही नहीं, और पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंकिंग के भी डेट्स को भी एक्सटेंड कर दिया गया, जो कि 30 जून लास्ट डेट है। नेक्स्ट अपडेट की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इंडिया में पहला डेडिकेटेड COVID-19 हॉस्पिटल बनाने का मुंबई में ऐलान किया है, और इस हॉस्पिटल को टोटली रिलायंस इंडस्ट्री फंड करेगी, और रिलायंस में काम करने वाले एम्प्लॉयज को फुल सैलरी मिलेगी, और रिलायंस फेस मास्क के प्रोडक्शन को भी बढ़ाएगा, जिसके चलते गरीब लोगों को उसकी मदद होगी और गरीब लोगों को खाना, राशन, पानी, सब जरूरतमंद चीजें रिलायंस इंडस्ट्री खुद प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट अपडेट है कि 1 अप्रैल से पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ सकती है, और लोकसभा में भी संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है। पेट्रोल डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी पर अब 8 रुपीज पर लीटर के हिसाब से इंक्रीमेंट की गई है। आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट के अनुसार पेट्रोल पर पहले एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए लगती थी, जो कि 1 अप्रैल से अब 18 रुपीज पर लीटर के हिसाब से लगी है, और डीजल पर 4 रुपए लगती थी, जो कि अब 1 अप्रैल से 12 रुपए पर लगेगी। आपको बता दो कि गवर्नमेंट जानबूझकर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है, क्योंकि फाइनेंशियल लॉसेस को कम करने के लिए गवर्नमेंट जनता के जेब में से पैसा निकाल रही है। आप लोगों को तो पता ही होगा कि कोरोना वायरस के चलते ऑयल की डिमांड पूरे वर्ल्ड में कम हो गई है, और रशिया सऊदी के बीच क्रूड प्राइस वॉर के चलते प्राइस और नीचे गिर गया है। लेकिन गवर्नमेंट तो ऐसी है कि खुद का फायदा सोचती है, मगर पब्लिक के बारे में कुछ सोचती नहीं। आपको क्या लगता है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ी मतलब पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़े, तो जेब से तो पैसा अपने ही जाने वाला है ना। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट अपडेट है कि COVID-19 की शुरुआत से अब तक इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज में से इन्वेस्टर्स ने करीब $83 बिलियन निकाले, जिसके चलते इन कंट्रीज पर इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिन जॉर्वी और G20 कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक्स ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग की थी, उसके बाद में स्टेटमेंट निकल के आया। उनका कहना है कि कोरोना वायरस का इफेक्ट इस इकोनॉमी पर बहुत लंबे समय तक रहेगा। कोरोना वायरस की वजह से इस साल वर्ल्ड की GDP ग्रोथ में करीबन 1.9% की गिरावट देखने को मिल सकती है, और इसकी आशंका IIF ने जताई है। IIF का मतलब इंस्टीट्यूशनल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, और मॉर्गन स्टैनली ने भी ये जताया कि इस साल वर्ल्ड की GDP ग्रोथ कम से कम 0.9% ही रह सकती है, ड्यू टू डाउनफॉल ऑफ क्रूड प्राइस, स्टॉक मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर एक्सेट्रा। और नेक्स्ट अपडेट है कि इंडिया की ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी बिग बास्केट ने बैंगलोर बेस्ड मिल्क स्टार्टअप कंपनी को एक्वायर कर लिया है, जिसका नाम डेली निंजा है। आपको बता दूं कि ये डील करीबन $20 मिलियन में हुई है। आपको बता दूं कि डेली निंजा के पास करेंटली 110,000 एक्टिव कस्टमर्स है, जिसका फायदा बिग बास्केट को अपने ग्रोसरी सेगमेंट्स में और नए सेगमेंट्स में भी फायदा होगा। नेक्स्ट अपडेट है कि इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डेली करीबन 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए का लॉस हो रहा है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी जैसे प्लांट्स को शटडाउन कर दिया गया है। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट साइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी हीरो मोटरसाइकिल्स ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए करीबन 100 करोड़ रुपए का डोनेशन किया है, और दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन कंपनी मैकडॉनल्ड्स ने सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करने के लिए अपने लोगों को बीच में से स्प्लिट किया है, जैसे कि आप इधर इमेज में देख सकते हो। और आपको बता दो कि उन्होंने उतना ही नहीं अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स के प्रोफाइल को भी चेंज किया है, और चाइना कोरोना वायरस से लड़ने के लिए 24/7 वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर कर रहा है टू हेल्प अमेरिका एंड इटली, नॉट फॉर इंडिया। तो हम अब बात करेंगे आज के मार्केट के बारे में। आज के मार्केट के बारे में अगर बात करी जाए तो सुबह के ट्रेडिंग सेशन में सेंसेक्स मार्केट खुलते ही करीबन 1450 पॉइंट की लीड लेके ओपन हुआ था, और निफ्टी ने भी 370 पॉइंट्स की लीड लेके ओपन किया था। खुलने के बाद में 40 to 50 मिनट्स के आफ्टर मार्केट नीचे जाने लगा, लेकिन मार्केट में 35 मिनट्स आफ्टर बाउंस बैक देखने को मिला, जो कि ऊपर के लेवल में देखने को मिला अपने को, जिसके चलते सेंसेक्स में करीबन 692 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिली, और मार्केट बंद होते होते सेंसेक्स 26,674 पॉइंट्स पर बंद हुआ, और निफ्टी में 190 पॉइंट्स का लीड देखने को मिला,
जिसके चलते निफ्टी भी 7801 पॉइंट्स पर बंद हुआ। और आज के टॉप गेनर्स है अदानी पोर्ट्स, ब्रिटानिया, बजाज फाइनेंस, इन शेयरों में तेजी देखने को मिली। और आज के टॉप लूजर्स है एस बैंक, M&M, ग्रासिम, इंडसल बैंक। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।